क्रिकेट लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रीति दहिया और आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है, भारतीय टीम की तरफ से आइडियल स्पिन ट्विंस, स्पिनिंग डुओ कौन हो सकता है। इस शो के दौरान हम कुछ ऐसे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे अपने स्पिनर्स के पूल से जो कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से शिरकत कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सब चर्चा करें, अपने गेस्ट के साथ एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली और रवि शास्त्री जीत के लिए हर फॉर्मूला तैयार करने में जुटे हैं। इस कड़ी में एक अहम फॉर्मूला है स्पिन ट्विंस का। आखिर क्या है स्पिन ट्विंस फॉर्मूला? चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक दिवसीय मैच और T20 क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा भारत के स्पिन ट्विंस थे, लेकिन पाकिस्तान से फाइनल मैच हारने के बाद इस जोड़ी को बदल दिया गया। उसके बाद कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल भारत के स्पिन ट्विंस बने। इस जोड़ी को कुलचा नाम दिया गया। इस जोड़ी ने भारत को एक दिवसीय मैच में बहुत कामयाबी भी दिलाई, लेकिन वर्ल्ड कप 2019 के बाद कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल की जोड़ी को एक साथ नहीं उतारा जाता है। टीम एकादश में कभी कुलदीप होते हैं तो कभी चहल, लेकिन इनके साथ कभी रविंद्र जडेजा तो कभी वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया जाता है। ऐसे में क्रिकेट लाइव में आज चर्चा का मुद्दा है कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप में आइडियल स्पिन ट्विंस। चलिए, तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि आज इस क्रिकेट लाइव के स्पेशल एपिसोड में क्या मुद्दा है। सीधा आपको इंट्रोडक्शन कराती हूँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद दो खास मेहमान से। दोनों ही फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं। ऑन माय लेफ्ट इज मुनीश जॉली। मुनीश, एज ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू विद अस इन आवर क्रिकेट लाइव स्टूडियोज। वेलकम टू द शो। एंड ऑन हिज लेफ्ट वी हैव गौतम वडेरा। गौतम, वेलकम वंस अगेन टू क्रिकेट लाइव स्टूडियोज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुनीश, आप ही ने वॉइस ओवर दिया था उस पैकेज में और चार नाम सामने आए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उन चार में से T20s में स्पेसिफिकली, गोइंग बाय द रिकॉर्ड एंड गोइंग बाय द प्रेफरेंस गिवन टू देम इन दिस फॉर्मेट, हु डू यू सी लीडिंग अप टू T20 वर्ल्ड कप? See, it's a very interesting topic because when you go to Australia, you want our spinners to dominate also. हम सब जानते हैं कि T20 की जो क्रिकेट है वहां पे एक स्पिनर को अटैक करने के लिए बल्लेबाज जाता है, फास्ट बॉलर पे अटैक करते हैं, लेकिन स्पिनर का ना इंतजार करते हैं कुछ बल्लेबाज। तो स्पिनर एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं, इसीलिए हम ये चर्चा आज कर रहे हैं, क्योंकि स्पिनर गेम इधर भी कर सकता है और गेम उधर भी कर सकता है, बिकॉज स्पिनर्स आर विकेट टेकिंग बोलर्स। जो हमने स्पिन ट्विंस की बात की, मेरे ख्याल से जडेजा और अश्विन जब वर्ल्ड कप से पहले, जब चैंपियंस ट्रॉफी की जब हम बात कर रहे थे, तो दे बिकेम टू प्रिडिक्टेबल एंड द इंडियंस वांटेड यू नो दैट सस्पेंस फैक्टर टू कम इन, इसलिए वो जोड़ी लेकर आए चहल और कुलदीप की, जिसे हम कुलचा भी कहते हैं जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है प्रीति की, अगर आप स्टैट्स निकाल के देखें, युजवेंद्र चहल इज द ओनली बोलर हु इज नॉट प्लेड अ सिंगल T20 गेम इन ऑस्ट्रेलिया। कुलदीप खेल चुके हैं, जडेजा खेल चुके हैं, तो एक्सपीरियंस पे भी बात आ जाएगी। यस, और एक्सपोजर पे बात आ रही है कि आपने T20 उनको अभी तक खिलाया नहीं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये क्या हम स्पिन ट्विंस मान के चलें? एक तो ये पक्ष है। दूसरा मेरा पक्ष यह है कि हो सकता है कि कुलचा की जो जोड़ी है, जिसको चाकू भी कुछ लोग कहते हैं, दैट इज कुलदीप एंड चहल, क्या आप उनको एक सस्पेंस फैक्टर क्रिएट कर रहे हो? यू डोंट वांट टू एक्सपोज देम इन द इंटरनेशनल अरीना, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है ना, आजकल कॉपी करते रहते हैं, हर एक बारीकी वो देखते रहते हैं। और इनफैक्ट उसी का फायदा उठाया था इंग्लैंड की टीम ने वर्ल्ड कप के दौरान, जब अटैक किया था कुलदीप को स्पेसिफिकली। एंड जस्ट टू फिनिश, इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट। इवन मैं जो सतपाल पहलवान जी हैं उनसे मैं बात कर रहा था कि भारत को क्या गोल्ड मिलेगा ओलंपिक्स में, तो बोला हमारे जो पैंतरे हैं ना पहलवानों के, दूसरी कंट्रीज वीडियो टेक्नोलॉजी के जरिए सब कुछ देख, तो हमने सारे पैंतरे छुपा के रखने में बदल दिए, बिल्कुल बदल दिए। मैं गौतम को भी इन्वॉल्व करना चाहती हूँ इस कॉन्वर्सेशन में। गौतम, आपके हिसाब से ये जो स्पेशली जो चार नाम सामने आते हैं, उनमें सब में दमखम है T20 वर्ल्ड कप तक पहुंचने का, लेकिन आइडियल क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? देखिए, आइडियल कॉम्बिनेशन तो यही है कि कुलदीप यादव हो और चहल हो। अगर कोई टीम में ज्यादा ऑफ स्पिनर्स होते हैं, मतलब ज्यादा लेफ्टी बैट्समैन होते हैं, तो आप ऑफ स्पिनर को इंक्लूड कर सकते हैं। बट आई थिंक इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज व्हेनेवर दे आर ब्रॉट ऑन बाय द कैप्टन,
they are always getting a breakthrough. And that is very important in any form of game, especially in T20. Because game is so fast, you know, the moment you get wickets, then thoda run ruk jate hain. So I think dono achha kar rahe hain. But yahi hai ki inko rotation mein khilaya jaye aur off spinner bhi dono try kiye jaye. ठीक है, बिकॉज क्या हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे है, उनके पास अगर लेफ्टी बैट्समैन ज्यादा आ जाते हैं या कोई ऑलराउंडर्स बीच में आ जाते हैं, तो वहां पर आपको ऑफ स्पिनर कुछ फाइन पॉइंट्स है और इसी चर्चा को हम जारी रखेंगे. लेकिन व्यूअर्स के लिए कुछ ग्राफिक्स भी डाल देते हैं कि इंडियन स्पिन पेयर्स ने टी ट्वेंटीज में कैसा परफॉर्मेंस किया है. तो एक क्या होता है कि आंकड़ों के जरिए बहुत आसान हो जाता है ये सब समझना. मुनीश, आपके इनपुट चाहूंगे इस पे. ये देखिए, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जोड़ी सबसे ज्यादा कामयाब मानी जा सकती है इस हिसाब से. या बिकॉज यू नो इवन आई गो विद द फैक्ट बिकॉज द क्रिकेट फ्रेटर्निटी सेज की जो जोड़ी है ना, द विकेट टेकिंग बोलर्स, ये आते हैं विकेट लेने के लिए जाते हैं. ये जडेजा की तरह रोकने नहीं जाते, तेज तेज गेंद नहीं डालते, फ्लाइट देते हैं. इनकी आमरी है फ्लाइट में एंड दे बीट द बैट्समैन इन द फ्लाइट इन द एयर. जैसे हमने कुलदीप को देखा पिछले गेम में, ओशाला फर्नांडो को उन्होंने आउट किया. दूसरा, दोनों है, दोनों गुगलीज लगाते, एक चाइना मैन है, लेग स्पिनर है, तो दोनों. सो यस, इफ यू वांट टू पिक अप विकेट्स, नाउ द थिंग इज यू वांट टू बी कंसिस्टेंट, देन यू गो विद जडेजा. इफ यू वांट ब्रेक थ्रूज इन बिटवीन, यू वांट टू पिक अप विकेट्स, मिडिल ऑर्डर अगर आप क्रश करना चाहते हो किसी टीम का, तो ये कॉम्बिनेशन लीथल. लेकिन कॉम्बिनेशन तो हम हमेशा टीम का चयन पहले अनाउंस कर देते हैं और फिर सिचुएशन किस हिसाब से डेवलप होती है उस हिसाब से आपके प्लेयर्स को अपना गेम अप करना पड़ता है. एक और इंटरेस्टिंग बात जो आपने अभी चर्चा की थी गौतम, वो ये है कि लेफ्ट हैंडर्स और राइट हैंडर्स का कॉम्बिनेशन सामने वाली टीम में कैसा है उस पर डिपेंड करता है. विराट कोहली ने रिसेंटली कहा कि कुलदीप यादव और जडेजा होंगे जब सामने वाली टीम में ज्यादा राइट हैंडर्स होंगे, और चहल होंगे और वॉशिंगटन सुंदर होंगे अगर सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा होंगे. सो डज दैट वर्क फॉर यू? आई थिंक इट इज अ गुड ऑप्शन. यू नो, यू हैव टू गो लाइक दैट ओनली, बिकॉज़ यू नो यू हैव टू प्लान योर थिंग्स. And if you see, like, Jadeja is very useful, you know, with the bat also, on the field also, he'll take one brilliant catch, he'll take one, make a brilliant run out. So I think it is a option. But right now, if you see, चहल एंड कुलदीप आर द बेस्ट ऑप्शन. मुनीश, ऐसा क्या है इन दोनों की जो टेक्निक है उसमें ऐसा फर्क क्या है कि कैप्टन कोहली इतने क्लियर है कि लेफ्ट हैंडर से लोडेड अगर सामने वाली टीम होगी तो ये कॉम्बिनेशन होगा, राइट हैंडर से लोडेड होगी तो ये कॉम्बिनेशन होगा? आई थिंक वो ना कुछ चीजें कहते हैं एंड ही डजंट मीन दैट, क्योंकि कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है. ये लोग देखिए, रणजी ट्रॉफी खेलकर आए हैं, दे बैटल्ड इट आउट. दे बोल टू राइट हैंडर्स, दे बोल टू लेफ्ट हैंडर्स, तो इनके लिए कोई थ्रेट नहीं है. दूसरी बात यह है प्रीति, हम लेफ्ट और राइट की बात कर रहे हैं, इनके पास दोनों आमरी है, ये लोग गुगली डालते हैं. तो सबसे बड़ी बात है जो आप कह रही है, दैट इज टप्पा, जिसको हम लोग कहते हैं दैट स्पॉट, गुड लेंथ पे वो डालते हैं. और अभी जब हम ये क्लिप देख रहे थे, कुछ डिलीवरीज कुलदीप की ऐसी थी जो पड़ी ऐसे स्पॉट पे, तो बल्लेबाज को पता नहीं लगा कि ये अंदर उसकी तरफ आएगी या बाहर निकलेगी. वैसी चहल की भी डिलीवरीज हैं. इफ अगर हम थोड़ा पहले जाएं तो चहल ने भी गुगलीज में बहुत सारी विकेट्स ली हैं. नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ देम इज दे अनप्रेडिक्टेबल एंड द विकेट टेकिंग बोलर्स, दे डोंट गो टू स्टॉप रन्स. जडेजा का जब आप वो ट्विंस की बात कर रहे हो, और जब ट्रिपलेट तो हम खिला नहीं सकते, जब उसको लाते हो, तो ही इज द ओनली इंडियन बोलर हूज बोल्ड 4 मेडन ओवर्स इन T20. दैट मींस ही इज कंसिस्टेंट, ही बोल्स फास्ट, ही बोल्स टू स्टॉप रन. नॉट टू टेक विकेट्स. एन ऑलराउंडर एज वेल इज एडेड एमिनेशन टू योर एंटायर स्ट्रेंथ. अग्रीड, बट देन यू नो इफ यू वांट टू प्ले विद 5 फास्ट बोलर्स, आपने सारे ऑलराउंडर्स भी ट्राई कर लिए T20 में, दैट फेल्ड. यू वांटेड बोलर्स, तो आपने बोलर खिला दिए. तो अब ये एक कॉम्बो आपको बनाना पड़ेगा. Right. टीम बाय टीम, राइट. इनफैक्ट हमने T20s में इंडियन स्पिनिंग पेयर्स की बात कर ली है. एक बार ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कि वनडे इंटरनेशनल्स में भी इंडियन स्पिनर्स और क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो कि विकेट टेकिंग बोलर्स साबित हुए हैं इन वनडे इंटरनेशनल्स. चलिए एक बार अपने ग्राफिक्स के जरिए व्यूअर्स को ये बता देते हैं कि वनडे इंटरनेशनल्स में भी राइट एट द टॉप मुनीश इज कुलदीप यादव एंड युजवेंद्र चहल्स डुओ. However, there are other options that we can explore with Washington Sundar and Ravindra Jadeja never featuring together in an ODI. They will never feature together because, you know, those two names, Yadav and Chahal, have created terror. You know, दूसरी टीम स्ट्रैटेजी बनाती है उनके अगेंस्ट, तो उनको वो खिलाना बहुत जरूरी हो जाता है. बट आई वुड से कि इन दोनों में से एक कुछ एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये आते हैं या तो आखिरी ओवर डालेंगे पावर प्ले का और उसके बाद बॉल करने आते हैं. लेकिन इस कॉम्बो में अगर आप कोई स्पिनर खिला रहे हैं, जैसे गौतम कह रहे थे ऑफ स्पिनर भी मैं खिलाना चाहूंगा, तो सिर्फ आज ही हमारी टीम में एक प्लेयर दिख रहा है जो आके न्यू बॉल डालता है, दैट इज वॉशिंगटन सुंदर, एंड वो आके विकेट लेते हैं. तो कहीं ना कहीं हमारी जो टीम है ना, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई कर रही है कि अगर ऑस्ट्रेलिया आती है तो हमें क्या बोलर्स खिलाने, क्या कॉम्बो खिलाना है, वेस्ट इंडीज आती है तो क्या कॉम्बो खिलाना है. सो आई थिंक वो चर्चा चल रही है. इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियंस आने ही वाले हैं इंडिया, उनके सामने देखेंगे कि भारतीय पिचेस पे कौन सा स्पिनर होगा कामयाब. लेकिन बात हो रही है कि T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे गौतम फास्ट ट्रैक्स पे स्पिनर्स का वैसे कितना बड़ा योगदान रहता है यूजुअली?
especially in a format like T20. See, you know, you need fast bowlers, but you need spinners also. So you have to, you can just play with five bowlers, not six bowlers, you know. देखिए दोनों स्पिनर्स में एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा जो मुनीश ने कहा बिल्कुल ठीक है कि दोनों स्पिनर्स एक बड़ा ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया में जितने भी ग्राउंड है दे आर वेरी ह्यूज ग्राउंड यू नो वहां पे 80 85 90 यार्ड्स की बाउंड्री है यूजली इंडिया में कि अगर हम खेलते हैं 70 75 मैक्सिमम बट कहने का मतलब दोनों स्पिनर्स दे गिव अ लॉट ऑफ एयर व्हेन यू गिव अ लॉट ऑफ एयर इट इज नॉट इजी दैट एवरी टाइम यू गोइंग टू क्लियर द बाउंड्री यू नो दैट इज अ फैक्ट यू नो आपको आउट करने जाते हैं वो यहाँ पे क्या होता है जडेजा अगर बॉलिंग कर रहे हैं या सुंदर बॉलिंग कर रहे हैं वो थोड़ा फ्लैट करते हैं तो रन रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बट टू गेट विकेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपने रन रिस्ट्रिक्ट भी कर दिए मगर आपके ओपोनेंट्स के पास विकेट्स हैं So in the slog overs, in the last few overs, they can get maximum runs. And if I can just add on, अभी जो हमारी जो हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी टेस्ट मैच खेला है न्यूजीलैंड के खिलाफ, who created havoc? That was Nathan Lyon, off spinner आके. Shane Warne क्या करते थे ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स में? Flight देते थे, विकेटें मिलती थी. So I think वो signs हैं encouraging हमारे bowlers के. जी, चलिए तो स्टूडियो में मौजूद दोनों एक्सपर्ट्स की तो राय हमने जान ली लेकिन अब समय हो गया है कि मैं अपने कॉलीग शिखा सचदेवा के पास आप सबको ले चलूं जिन्होंने बात की है फॉर्मर स्पिनर सरकार तलवार से उनका क्या कहना है टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में आइडियल स्पिन डुओ क्या हो सकता है भारतीय टीम के लिए चलिए ये पता कर लेते हैं In the world of cricket, Indian batting attack के साथ साथ bowling performance भी है focal point. आज हम cricket line में बात कर रहे हैं इंडिया के spinning department के बारे में और कौन सा spinning duo है the ideal for the Indian cricket team. तो सर हम spinners को game changer कह सकते हैं trump card कह सकते हैं क्या लगता है इस team में कौन सा ऐसा spinning twins है या फिर duo है जो कि आप कहेंगे कि सबसे best option है इंडिया में बहुत अजीब ऑप्शन है बल्कि कि ऐसा समय आ गया कि जो पेयर है उनको मतलब स्ट्रगल करना पड़ता अपनी पेस बनाने के लिए इंडिया के अंदर चहल और कुलदीप चहल और जडेजा जडेजा और अश्विनी आप देखिए दे लॉट ऑफ गुड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन चल रहे हैं ये सारे लोग बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और आपने अगर देखा होगा पीछे हिस्ट्री जितने वर्ल्ड कप आया जैसे टी ट्वेंटी का थे या 50 ओवर का वर्ल्ड कप थे सारे के सारे को जीतने का ना स्पिनर का अहम रोल रहा है जी और ये जो प्रेजेंट जो कॉम्बिनेशन है मेरे ख्याल से चहल का और कुलदीप का बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है पर मैं जडेजा को जो लिमिटेड ओवर की क्रिकेट के अंदर जो 2020 और 50 ओवर्स में जडेजा के परफॉर्मेंस को भी आप निकाल सकते हैं वो एक ऐसा ऑलराउंडर है इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर वो ट्रम्प कार्ड है मैं अगर कोई भी कैप्टन हो कोई भी सिचुएशन हो आई थिंक जडेजा इज माय फर्स्ट चॉइस ऑलवेज तो मतलब जडेजा है आपके लिए बेस्ट स्पिनर और ऑप्शन आपने अगर स्पिनिंग डुओ का कहा तो कुलचा के नाम से जाने जाने वाले कुलदीप और चहल बहरहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पिनिंग ट्विन के बारे में आइए सीधा वापस चलते हैं स्टूडियो में जहां पर चर्चा जारी रहेगी द आइडियल स्पिनिंग ट्विन बैक टू द स्टूडियो राइट थैंक यू वेरी मच शिखा और सभी ओपिनियंस अब हमारे सामने एक एक करके आ रहे हैं ऑप्शंस तो काफी है मुनीश भी डिस्कस है लेकिन आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया कि युजवेंद्र चहल को एक्सपोजर नहीं है ऑस्ट्रेलिया का अभी आने वाली एक सीरीज है न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सिमिलर कंडीशन मानी जाती है यू थिंक दैट वुड हेल्प एंड आइडियली वी शुड एक्चुअली गो एंड गिव सम एक्सपोजर टू चहल इन दोज मैचेस या दैट्स अ गुड पॉइंट That's a good point that you can take them and you can they can get some exposure in the New Zealand wickets. But my point is whether are we going to stick with Kuldeep and Chahal throughout because they are both attacking bowlers. And we need somebody who comes in and, you know, bats as well. I don't think that because Chahal and Kuldeep have become too predictable. I doubt if Chahal goes to Australia. Achha. It's too early to say. Because because you know they'll bank on Ravindra Jadeja more because you know he's a package. और बड़ा अच्छा लगा मेरे को देख के सरकार तलवार को खुद बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर थे इंडिया नहीं खेल पाया अनफॉर्चुनेटली बट खराब लगा किसी ऑफ स्पिनर का नाम उन्होंने लिया गौतम क्विक रिएक्शन फ्रॉम यू ऑल्सो कि आप भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं द सक्सेस ऑफ चहल एंड कुलदीप कुड एक्चुअली वर्क अगेंस्ट देम बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी दैट हैज कम इन देयर प्ले या आई मीन मुनीश इज राइट इट कैन बट स्टिल आई वुड से दैट यू नो लेट दिस सीरीज गो लेट अस प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड देन वी कैन यू नो कम आउट With a, you know, package that what package we want to carry, you know, whether we want to take these two or Jadeja is going to fit in or off spinner.
Because, you know, we are playing abroad and fast bowlers are needed. Right. We respect your opinion. Thank you very much, Gautam and Munish. Isi ke saath samay ho chala hai ek chota sa break lene ka cricket live mein. Lekin break ke us paar hamara social media segment hai, jisme hum social media pe in spinning combinations ko leke kya kuch discussion ho raha hai, uske baare mein charcha karenge. Aap bane rahiye hamare saath cricket live mein. Aaiye manoranjan ki ek nayi duniya mein. DD Free Dish, भारत की एकमात्र फ्री DTH सर्विस, जिसमें आपको मिलेंगे मनोरंजन से भरपूर 6 टीवी चैनल्स, 10 मूवी चैनल्स, 7 म्यूजिक चैनल्स, 2 चैनल स्पोर्ट्स के, 22 चैनल्स समाचार के, 2 लोकसभा और राज्यसभा के, 8 आध्यात्मिक चैनल्स और 38 क्षेत्रीय चैनल्स, यानी कुल मिलाकर आपको मिलेंगे 95 टीवी चैनल्स और साथ ही साथ आपको मिलेंगे आकाशवाणी के 39 डिजिटल रेडियो चैनल्स भी। इतना ही नहीं, ये सभी चैनल्स आपको मिलेंगे बिल्कुल मुफ्त, यानी बिना किसी मासिक केबल शुल्क के। बस एक बार डीडी फ्री डिश लगवाएं। वेलकम बैक क्रिकेट लाइव में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और आज के इस शो में चर्चा हो रही है कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से आइडियल स्पिन कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है भारतीय टीम के लिए। तो अपने गेस्ट के साथ, क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ हमने चर्चा की। अब बात करते हैं सोशल मीडिया पे इन सभी को लेकर क्या कुछ चर्चा है। वी शशांक, जो कि हमारे ब्लॉगर और सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, वो मेरे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। शशांक, बहुत अच्छा लगा आपसे एक बार फिर से मुलाकात करके स्टूडियोज में। आप बताइए कि व्हाट आर यू पिकिंग अप ऑन सोशल मीडिया इन टर्म्स ऑफ द प्रेज और क्रिटिसिज्म for all our spinning combinations. जी, इंडियन क्रिकेट की ऑडियंस है हमारी, ये हमेशा से प्रेज ही प्रेज करती है, कभी नाखुश नहीं होते। और नहीं, नाखुश भी होते हैं। वो तो एट टाइम्स होते हैं, लेकिन हमेशा जनता का जो ऑडियंस है, ओपिनियन है, उनका यही कहना है कि कभी एक चिपिंग एंड चॉपिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। कभी कुलदीप आते हैं तो कभी चहल आते हैं, कभी वॉशिंगटन आ जाते हैं तो कभी जडेजा। सो इनका एक मिश्रण में से वो दो कौन ऐसा स्पिन डुओ जिसे हम कहते हैं वो हो सकते हैं, इनमें थोड़ा ट्वीट्स के थ्रू हमको पता चल सकता है कि और वो कौन प्लेयर्स हैं जिनको पिक किया जाएगा। राइट, तो बताइए क्या क्या ट्वीट्स आप आज हमारे लिए लेके आए हैं। जी बेशक, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। कुलदीप एंड चहल हैव बीन द बेस्ट एज दे हैव बॉल्ड रियली वेल इन टैंडम एंड हैव नॉट बीन अफ्रेड फ्रॉम फाइटिंग द बॉल। दे प्लान रियली वेल एंड गेट द मेन बैट्समैन आउट व्हेन रिक्वायर्ड। आई थिंक कुलदीप एंड चहल फर्स्ट पिक रहे हैं यहाँ पे ऑडियंस की। जी, प्राइमरली इन दोनों को लेके तो काफी तारीफ हमेशा आती रहती है क्योंकि ये बहुत रेगुलर कॉम्बिनेशन है। well, राहुल कुमार को ओपिनियन है कुलदीप यादव एंड रविंद्र जडेजा। युजवेंद्र चहल रविंद्र जडेजा, यानी कि रविंद्र जडेजा एक जड्डू ऐसे बोलते हैं वो तो एक कांस्टेंट फैक्टर यहाँ पे पिक होके आए हैं। जी, कुलदीप और चहल के बीच में थोड़ा यहाँ पे हो सकता है कि ओपिनियंस डाइवर्स हैं आपके। वही कैप्टन कोहली वाली बात हो सकती है कि डिपेंड करता है कि सामने वाली टीम के क्या कॉम्बिनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी रविंद्र जडेजा के ऊपर मेरे ख्याल से काफी ज्यादा प्रेज हो ही रही है। और मेरी राय में कुलचा की जोड़ी विकेट निकालने में माहिर है और यदि विराट की लंबी बैटिंग रखने की सोच है तो फिर जडेजा बेहतरीन ऑप्शन है। विराट शायद इन तीनों को ही T20 वर्ल्ड कप हेतु ऑस्ट्रेलिया ले जाए। ये भी पॉसिबिलिटी तो है ही डेफिनेटली, बट प्लेइंग 11 में अल्टीमेटली क्या कॉम्बिनेशन होगा वो लास्ट मिनट पे पूरी टीम मैनेजमेंट डिसाइड करती है। जडेजा का मेरे ख्याल से बैटिंग फैक्टर भी कंसिडर करना चाहिए। राइट, कुलदीप चहल, यानी कि जो चाकू की जोड़ी जो पिछले सेगमेंट में डिस्कस की गई थी, वो सकते हैं चाकू की जोड़ी काफी धारदार होने वाली है आज के मैच में, ये जी देखने को मिले। नहीं, सबसे पहले कुलचा के जो जार्गन है उससे आपने मुझे वाकिफ कराया था सोशल मीडिया पे, ये ट्रेंड आपने पिक किया था एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग द वे आर यू नो व्यूअर्स एंड पीपल जस्ट कॉमन मैन इन इंडिया हु कंसिडर देमसेल्व्स टू बी टॉप क्रिकेट एक्सपर्ट्स डिसाइड टीम कॉम्बिनेशन सिटिंग एट होम। थैंक यू वेरी मच शशांक, एज ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू विद अस इन द स्टूडियोज। और इसी के साथ एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं क्रिकेट लाइव में और ये चर्चा जारी रहेगी ब्रेक के इस पर भी। आइए मनोरंजन की एक नई दुनिया में। डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री DTH सर्विस, जिसमें आपको मिलेंगे मनोरंजन से भरपूर 6 टीवी चैनल्स, 10 मूवी चैनल्स, 7 म्यूजिक चैनल्स, 2 चैनल स्पोर्ट्स के, 22 चैनल्स समाचार के, 2 लोकसभा और राज्यसभा के, 8 आध्यात्मिक चैनल्स
और 38 क्षेत्रीय चैनल्स, यानी कुल मिलाकर आपको मिलेंगे 95 टीवी चैनल्स और साथ ही साथ आपको मिलेंगे आकाशवाणी के 39 डिजिटल रेडियो चैनल्स भी। इतना ही नहीं, ये सभी चैनल्स आपको मिलेंगे बिल्कुल मुफ्त, यानी बिना किसी मासिक केबल शुल्क के। बस एक बार डीडी फ्री डिश लगवाइए और जीवन भर पैसे देने से छुटकारा पाइए। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.doordarshan.gov.in। डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। वेलकम बैक, क्रिकेट लाइव आप सब देख रहे हैं और आज का ये स्पेशल शो डेडिकेटेड है टीम इंडिया के स्पिनिंग ऑप्शंस क्या क्या है, क्या क्या अवेलेबिलिटी है हमारे पास, जो कि T20 वर्ल्ड कप तक जाके स्पिनिंग डुओ के नाम से अपनी टीम में जगह पुख्ता कर सकते हैं। हमने सारे टॉप नेम्स डिस्कस कर लिए। मुनीश जॉली और गौतम वडेरा एक बार फिर से मेरे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। मुनीश, क्या यहां से जो आने वाली सीरीज है उनमें आप एक्सपेरिमेंट्स एक्चुअली बिकम अ नॉर्म फॉर टीम इंडिया, आप कुछ रेयर कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं कि आने वाले समय में इंडियन टीम मैनेजमेंट ट्राई करेगी? I think it'll be lethal if I ask Washington Sundar and Ravindra Jadeja to figure in the team, because they're not attacking bowlers, you know. Washington Sundar bhi shuru mein aate hain and you know he forces a batsman to make a mistake. But main har game mein ya Kuldeep ko ya Chahal ko zarur khilaunga. Agar dono ikatthe nahi khel rahe to ek zarur khelega. Aur ab Wanday ki jo series aane wali hai jaisa aap keh rahe hain, to wahan pe hum in dono ko shayad dekh saken kyunki longer version hai. And you'll go out there to attack, aap wicket lene jaoge, middle order crush karne jaoge, wahan dekh sakte ho. Varna I think Jadeja finds a solid place in the team. Gautam, what is your take on this? Aap bhi ye kahenge ki Chahal aur Kuldeep ka jo experience hai aur success rate hai को देखते हुए कम से कम एक तो टीम में 100% होगा, उनके साथ क्या कॉम्बिनेशन खिलाना है वो आप डिपेंडिंग ऑन द ऑपोजिशन डिसाइड करेंगे। या आई एग्री विद मुनीश व्हाट ही सेड, मैं भी होऊंगा तो यही करूंगा, बट आई थिंक दे आर आल्सो द थिंक टैंक इज थिंकिंग दिस ओनली, बट लेट्स सी हाउ दे पुट इट ऑन। लेकिन गौतम, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप भी आने वाला है और उसमें अगर कोई उभरता सितारा सामने आ जाता है तो फिर क्या टीम मैनेजमेंट के पास फिर से एक बार एक डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज आ जाता है, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ जो कि हम कहते हैं इंडिया के पहले ही बहुत सॉलिड है, कुछ और नए चैलेंजेस इस वक्त आ सकते हैं इन स्पिनिंग? सी, आई थिंक यू आर गोइंग फॉर द वर्ल्ड कप, यू नो दे आर गुड, दे आर परफॉर्मिंग, यू कैन कंसिडर मे बी लेटर ऑन, you know, you can just make them play some side games like India A or maybe some other series. But for World Cup, I would not say, because, you know, when you are playing under a age category, you know, it's little easy to perform. When you're playing professionally, then you have to really work, a lot of hard work is there. I think great point there, because you're mentioning about the under 19 player. So Atharva, jo unke jo left arm spinner hain, you know, he's a look alike of Ravindra Jadeja. Tez gend dalte hain line par dalte hain, aur pichla game jo hua South Africa Kings, 5 wicket unhone liye. So I think he can be considered, but then aap dekho na variety kitni hogi, log apne idols banane lage, Jadeja ke you know look alikes aa gaye unki tarah gend dalne ke liye. But yahan jo aap pooch rahi thi opposition pe, main I just want to add one more point since we are just you know a panel of discussion. Basically, I would also want to see the wicket. अगर वो flat track है जहां run scoring machines हैं, run scoring track है, वहां पे मैं इन दोनों को expose नहीं करूंगा. वहां I'll bring in Ravindra Jadeja if given an opportunity, you know, to choose the team. वहां पे Jadeja will do a good factor. He comes in and the best part is वो सबसे तेज गेंद डालते हैं. तेज in the sense आएंगे जल्दी जल्दी over फेंकेंगे. I remember कि 2 मिनट के अंदर उन्होंने अपना एक over भी फेंक दिया. So there are a lot of areas. If you see, Jadeja is a very handy cricketer. हमने ना अपने spinners की स्ट्रेंथ्स के बारे में काफी फोकस किया है इस पूरे डिस्कशन के दौरान, लेकिन गौतम, मैं आपसे उनकी वीकनेस के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूंगी, स्पेशली फॉर समबडी लाइक कुलदीप यादव, हु हैड अ वेरी डिफिकल्ट 2019 आईपीएल में वो चल्प नहीं पाए, उन्हें ड्रॉप भी कर दिया गया, उसके बाद जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच था उसके बाद से यू नो ही हिट अ रफ पैच, सो वी सॉ समवेयर दैट मेंटली विच ऑफ देम इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर टू टेक द प्रेशर ऑफ अ वर्ल्ड कप? I think all of them are strong, you know, when you're playing for the country and you're performing, then that means that you are strong, you know, to be there. You know, it's not easy, it's all mental game, you know, it's physical too, but mental and what talent you have. But I would still say that, you know, it is too early. Let's see, you know, how they perform in the coming series, and from there we can say that, you know, this is the team what I want. All right, on that note, thank you very much Gautam, hamesha ki tarah bahut acha laga aap hamare sath studio mein aaye, hamare sath charcha ki. Munish, thank you too for being with us here in our cricket live studios, aur cricket live ke aaj ke is episode mein itna hi, hope you enjoyed the show, thanks for watching.